नमस्कार दोस्त लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस कुछ ही मिनट में हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यद्यपि मौसम बहुत सुहाना हो गया है, यहाँ बनी पार्क में तो काफी बारिश हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप में से कोई एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज आ रही है आपको। जी आवाज स्पष्ट है? थैंक यू सोनू जी। खूबसूरत लोगों को सभी खूबसूरत लगते हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर्स। थैंक यू सोनू जी। बस कुछ ही मिनट में हम 5 मिनट में शुरू कर देंगे। देवेंद्र जी यदि वहां पर हैं तो एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें मुझे। आप सभी दिल से इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे दोस्त हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज आप लोग जुड़े हैं और हम ये पूरा सफर, उम्मीद करती हूँ मैं बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। जितने भी 40-45 मिनट हमको मिले हैं, जी बस शुरू करते हैं कुछ ही पलों में सफर। आप लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज 2-3 इतने खूबसूरत मौके हैं कि उसका हमें फायदा उठाना चाहिए और इस महफिल में आप सभी की उपस्थिति को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ। सोनू जी आपने निशिगंधा पढ़ी, आज उसमें से भी एक दो कविताएं आपको सुनाऊंगी। शुक्रिया। स्मिता जी को भी नमस्कार। बस थोड़ी ही देर में हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमेंट्स शायद कुछ पढ़ पाऊँ कुछ ना पढ़ पाऊँ, मैं अभी से माफ़ी चाहूँगी आप सभी से, क्योंकि मेरा रुचि रहेगी कि मैं आपको कुछ अच्छी कविता सुना दूँ और उसके बाद में फिर अपन कमेंट्स में ज़रूर उनका जवाब भी दूँगी और आप सबसे मुखातिब होने की कोशिश करूँगी ज़रूर ही। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर मौका है आज। एक तो मौसम फिज़ा भी बहुत हसीन हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे है, मित्र दिवस है। आज सुबह से ही बहुत मैसेज आ रहे थे तो मुझे लगा कि आज तो मैं बहुत सारे दोस्तों से मिलने वाली हूँ इस मंच के तहत, तो आप सभी को मैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे दोस्त मेरे साथ हैं और आज के सफ़र में भी हम साथ में रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे साहित्यानुरागी दोस्त, काव्य प्रेमी लोग आज इस मंच पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, मनुष्य तो वही है ना जो कि अंधकार में भी एक रोशनी की किरण ढूंढ लेता है।
और आज जब हम लॉकडाउन के इस समय में घर पर बैठे हैं, हमारी कुछ सीमाएं बन गई हैं, कुछ दायरे तय हो गए हैं, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम अपनी रचनात्मकता को शिथिल ना होने दें और बहुत खूबसूरती से इसको अंजाम दिया है जन सरोकार मंच के श्री देवेंद्र जोशी जी ने। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले दिनों जन सरोकार मंच पर अलग अलग विषयों से जुड़े कई प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, हमने उनको सुना, चाहे वो शिक्षाविद थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, गायक थे, संगीतकार थे, तो सभी ने रचनात्मकता की एक किरण, एक उजास हमारे दिलों में फैलाई। कोई भी काम करें हमें उसके लिए एफर्ट्स तो करना ही पड़ता है, तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ देवेंद्र जी का कि जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया और आज मुझे इस मंच के लिए चुना। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माँ शारदे को समर्पित अपने कुछ शब्दांजलि उनके चरणों में भेंट करती हूँ। मित्रों, आज रचनात्मकता की यदि हम बात करें तो साहित्य से, चित्रकला से, किसी भी इस तरह की गतिविधि से यदि हम जुड़े हुए हैं तो ये यकीन मानिए कि ईश्वर की अहेतुक कृपा हमारे ऊपर है कि उन्होंने इस रचनात्मकता का बीज हमारे अंदर डाला। रचनात्मकता ही वह जीवन रस है, जीवन अमृत है, जो हमारे अंदर की सजीवता को, हमारे अंदर के आनंद को, हमारे अंदर की संपूर्णता को पूर्ण करता है, उसे जीवित रखता है। तो हम सभी जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, अपने को बहुत भाग्यशाली समझें, ईश्वर का पल पल धन्यवाद करें कि उन्होंने यह बीज हमारे अंदर डाला जो हमें कभी भी अवसाद में नहीं जाने देता। तो आइए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और मैं आपको सबसे पहले अपनी ये शब्दांजलि सुनाती हूँ कि शब्दों को अर्थ मिले, शब्दों को अर्थ मिले, हर आंगन बसंत खिले, शब्दों को अर्थ मिले, हर आंगन बसंत खिले, हृदय में करुणा बसे, हृदय में करुणा बसे, प्रेम से सृष्टि सजे, प्रेम से सृष्टि सजे, मन वीणा के तारों से, मन वीणा के तारों से सौहार्द का संगीत बजे, मन वीणा के तारों से सौहार्द का संगीत बजे, ऐसा ही कुछ कर दो, ऐसा ही कुछ कर दो माँ शारदे, यही वर दो माँ शारदे, यही वर दो। वैमनस्य की खाई पटे, वैमनस्य की खाई पटे, हम ना अपनी जड़ों से कटे। बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैमनस्य की खाई पटे, हम ना अपनी जड़ों से कटे, यह नफरत की आग बुझे, यह नफरत की आग बुझे, विखंडन के चित्र मिटे, विखंडन के चित्र मिटे, ऐसा ही कुछ कर दो, ऐसा ही कुछ कर दो माँ शारदे, यही वर दो माँ शारदे, यही वर दो। माँ शारदे से मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे हृदय में इस ज्ञान की ज्योति को, इस रचनात्मकता की ज्योति को हमेशा जलाए रखें और हमें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ाती रहें। कुछ दोस्त और जुड़ रहे हैं, मैं सभी का पुनः स्वागत करती हूँ जन सरोकार मंच से और आभार व्यक्त करती हूँ श्री देवेंद्र जोशी जी का जिन्होंने आज मुझे यह मंच प्रदान किया। थैंक यू स्मिता जी, सोनू जी, पूनम जी। हवा करती अटखेलियां, हवा करती अटखेलियां, तरु शिखरों के साथ, दो मुक्तक पेश कर रही हूँ। हवा करती अटखेलियां, तरु शिखरों के साथ, झूला झूले बेटियां, झूला झूले बेटियां, मेहंदी वाले हाथ, भीगा भीगा शहर मेरा, आप सभी को समर्पित कि भीगा भीगा शहर मेरा, हरियाली से लबरेज, भीगा भीगा शहर मेला, हरियाली से लबरेज, अदरक वाली चाय का स्वाद बड़ा है तेज, अदरक वाली चाय का स्वाद बड़ा है तेज। मित्रों, मैं कार्यक्रम के लिए आ रही थी, मेरी अभिन्न मित्र का फोन आया कि संगीता जी आप चाय और पकौड़ों का भी इंतजाम करिए,
मौसम बहुत सुहावना हो गया है, तो मित्रों मेरी तरफ से पकौड़ों और चाय की ये पार्टी ड्यू रही, और जल्दी ही ईश्वर ने चाहा तो हम रूबरू होंगे, मिलेंगे और खूब आनंद लेंगे। तो इन दो मुक्तक के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, मित्रता आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, वो कविता मैं कुछ और आपको देर बाद से सुनाऊंगी ताकि कुछ मित्र और जुड़ जाएं। लेकिन ये सावन के दो मुक्तक मैंने आपको सुनाए, मौसम भी सावन का हो रहा है। हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। जी हाँ, जहाँ सावन में हरियाली है, आनंद है, चेतना का संचार है, प्रकृति नए नए सोपानों से, नए नए अलंकरण से झूम रही है, और राजस्थान के सावन का तो क्या कहना, लहरिया, घेवर, तीज, कजरी, क्या बात है। लेकिन मैंने सावन को एक दूसरे नजरिए से देखा है और महसूस भी किया है। ये मौका मुझे मिला और ये कहीं ना कहीं मन को छू गया, तो ये कविता उसी समय लिखी गई, तो मैं सुनाती हूँ सावन का एक दूसरा रूप। कि सावन तुम बरसो या न बरसो, सावन तुम बरसो या न बरसो, नहीं सोख सकते मेरे मन का गीलापन। सावन तुम बरसो या न बरसो, नहीं सीख सोख सकते मेरे मन का गीलापन। पैदा कर दो चाहे जितनी उमस, पैदा कर दो चाहे जितनी उमस, महकेगा तब भी पसीना मेरा, महकेगा तब भी पसीना मेरा। नहीं डरा सकते बिजली की कौंध से मुझे, नहीं डरा सकते बिजली की कौंध से मुझे, क्योंकि बना दिया है वक्त की आंधियों ने फौलाद मुझे, क्योंकि बना दिया है वक्त की आंधियों ने फौलाद मुझे। सावन सावन तुम हवा के झूले में आओ या बूंदों की पालकी में, सावन तुम हवा के झूलों में आओ या बूंदों की पालकी में, उड़ा कर नहीं ले जा सकते मेरी संवेदनाओं को, उड़ा कर नहीं ले जा सकते मेरी संवेदनाओं को। इच्छित नहीं अब मैं तुम्हारे प्रेयस रूप की, इच्छित नहीं अब मैं तुम्हारे प्रेयस रूप की, डराता है हाँ डराता है बाढ़ वाला तुम्हारा विकराल तांडव, डराता है मुझे बाढ़ वाला तुम्हारा विकराल तांडव। बहते कच्चे घर और कांपता जीवन, बहते कच्चे घर और कांपता जीवन, सिर पर गठरी लिए विस्थापित होते जन, सिर पर गठरी लिए विस्थापित होते जन, गीले नंगे तन और भूख से बिलखता बचपन, गीले नंगे तन और भूख से बिलखता बचपन। कर दी ठंडी तुमने चूल्हे की तो आग, कर दी ठंडी तुमने चूल्हे की तो आग, कैसे ठंडी होगी अब पेट की आग, कैसे ठंडी होगी अब पेट की आग। बह गई सारी सरकारी योजनाएं, बह गई सारी सरकारी योजनाएं और ऊंची हो गई अट्टालिकाएं, बह गई सारी सरकारी योजनाएं और ऊंची हो गई अट्टालिकाएं। सावन तुम ना करो ऐसा भेदभाव, सावन तुम ना करो ऐसा भेदभाव। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बीच, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बीच कुछ तो रखो सद्भाव। सावन तुम ना करो ऐसा भेदभाव, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बीच कुछ तो रखो भेद सद्भाव। ये मेरा संबोधन था सावन से और अपरोक्ष रूप से ईश्वर से, कि जहाँ ये खुशहाली लाता है, कम से कम जहाँ बाढ़ की स्थिति है वहाँ पे भी ईश्वर उन सबको संबल दे, उन्हें संभाले, यही मेरी प्रार्थना है। तो सावन का एक चित्र मैंने, एक दूसरा रूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, मैं सब आप सभी का इस मंच से, इस पटल से बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ
कि आखिरी तक आप मेरा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, मैं अपना यदि परिचय दूं तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मेरे पिताजी ट्राइबल एजुकेशन में थे और हम लोग हमेशा से प्रकृति के बीच में रहे। ट्राइबल एरियाज बहुत घने जंगलों के बीच में स्कूल होते थे, वहाँ हम रहे। तो प्रकृति ने मेरे मन को हमेशा छुआ, प्रकृति मेरे बहुत करीब रही। मैंने उसे देखा, उसके हर रूप को देखा और बचपन से वो मेरे अंदर बस गई। मैं कभी भी साहित्य की छात्रा नहीं रही, मैंने कभी हिंदी विषय नहीं लिया। मैं हमेशा से विज्ञान के छात्रा रही, मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, माँ शारदे का वरदान है, ये उनका आशीर्वाद है कि मेरा रुझान हमेशा साहित्य की तरफ रहा और शब्द स्वतः ही मन में उतरते गए, मन से निकलते गए। और आज यदि कुछ शब्द आप तक पहुँचते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। जी अंजुलता जी, मुझे मालूम है बस्तर भी बहुत गहन ट्राइबल इलाका है और मैं वहाँ पर मैंने देखा है, तो एक अनछुआ एक प्रकृति का रूप है वहाँ पर। तो मेरी कविताओं में कहीं ना कहीं आपको प्रकृति मिलती ही है, कहीं ना कहीं छूती है। और कहते भी है ना कि प्रकृति से जुड़ाव जो है वो मन को कभी अवसाद में नहीं ना जाने देता। तो प्रकृति के जितना हम करीब रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारे मन के लिए अच्छा है। कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के शफाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के शफाक हो गए। तो चलिए एक और कविता आपको सुनाती हूँ। आज तो कविताओं का सफर है, कुछ बातचीत भी होती रहेंगी। कुछ आप को कुछ खराब लग रहा हो मेरी आवाज़, मेरी प्रस्तुति, तो आप मुझे कमेंट्स लेके ज़रूर बताते रहें, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी और मेरे साथ बने रहें मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, अब एक और कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मित्र लोग और आ जाएं तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। दोस्ती के कविता में आपको सुनाना चाह रही थी एक गजल नुमा, कि ओठों से मुस्कुराते देखा है तुम्हें, ओठों से मुस्कुराते देखा है तुम्हें, आज आँखों से मुस्कुरा के दिखाओ। ओठों से मुस्कुराते देखा है तुम्हें, आज आँखों से मुस्कुरा के दिखाओ। गुनगुनाते देखा है कई बार तुम्हें, गुनगुनाते देखा है कई बार तुम्हें, गजल आज कोई बनकर दिखाओ। गुनगुनाते देखा है कई बार तुम्हें, गजल आज कोई बनकर दिखाओ। सदियों की दास्तानें तो बहुत हो चुकी, सदियों की दास्तानें तो बहुत हो चुकी, किस्सा नया बुनकर कोई आज सुनाओ। सदियों की दास्तानें तो बहुत हो चुकी, किस्सा नया बुनकर कोई आज सुनाओ। कि अंधेरे में कब तक टटोलेंगे तुम्हें, अंधेरे में कब तक टटोलेंगे तुम्हें, रोशनी में आज नहाकर तो आओ। अंधेरे में कब तक टटोलेंगे तुम्हें, रोशनी में आज नहाकर तो आओ। सूरज से नजरे मिलाने की जरूरत नहीं, सूरज से नजरे मिलाने की जरूरत नहीं, देहरी पे मेरे एक दीप जला जाओ, देहरी पे मेरे एक दीप जला जाओ। मृग तृष्णा सी दौड़ती रही जिंदगी, मृग तृष्णा सी दौड़ती रही जिंदगी, शीतल एहसास बन तुम चुपके से आ जाओ, शीतल एहसास बन तुम चुपके से आ जाओ। ये एक गजलनुमा कविता थी। कुछ मित्र लिख रहे हैं कि मुंह पे मास्क लगा के हम कैसे मुस्कुराएं, इसीलिए मैंने कहा है कि ओठों से मुस्कुराते देखा है तुम्हें, आज आंखों से मुस्कुरा के दिखाओ। जब मास्क लगा लेंगे तो आंखों से ही तो मुस्कुराना होगा। सत्यनारायण सर जी को बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सर, आपका स्वागत है, आप पधारे और आपकी उपस्थिति मेरा बहुत बड़ा संबल है मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। सभी दोस्तों का पुनः स्वागत। तो चलिए
कुछ सफर और बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कभी भी साहित्य की छात्रा तो नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि जो कविताएं मैंने लिखी हैं बहुत सीधी सी हैं, सरल सी हैं, अनुभूति का विषय है, जो सहज अनुभूत हुआ उनको ही शब्दों का जामा पहना दिया। हो सकता है उसमें व्याकरण की कुछ गलतियां हों, कुछ छंदीय गलतियां हों, तो मैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हमसे जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं आज, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी। सीधी सीधी सी कविताएं हैं जो मन को तो छूती ही हैं और मुझे एक तृप्ति के भाव से भर देती हैं, सृजन के भाव से भर देती हैं। और कविता का लक्ष्य भी तो यही है, सृजन की तृप्ति, सृजन का एहसास। एक और कविता मैं आपको सुनाती हूँ। लॉकडाउन के समय जब हुआ तो बड़ा विचित्र सा हमें लगा, जब पहला लॉकडाउन हुआ तो ऐसा लगा पहली सुबह की आकाश पक्षियों से भर गया है, कई तरह तरह के पक्षी हमें सुनाई देने लगे। तो मुझे लगा कि ये आवाज़ कहाँ थी पक्षियों की इतने दिनों तक। हम लोग अपनी विकास की दौड़ में इस तरह जुट गए कि प्रकृति में से हम दूर हो गए। तो एक पक्षी को प्रकृति का एक सिंबल मानकर मैंने ये कविता लिखी है, जो कि आज के बेतहाशा जो हमारा विकास के नाम पर हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा संकेतात्मक उसमें कुछ भाव है मेरे कि ए पाखी उड़ चले तुम दूर क्षितिज में, ए पाखी उड़ चले तुम दूर क्षितिज में, तोड़ सारी वर्जनाएं आज। ए पाखी उड़ चले तुम दूर क्षितिज में, तोड़ सारी वर्जनाएं आज, सागर के गर्भ से ब्रह्मांड तक, सागर के गर्भ से ब्रह्मांड तक नाप लिया हमने सब कुछ, नाप लिया हमने सब कुछ, और कैद कर तुम्हें दंभ के पिंजरे में, और कैद कर तुम्हें दंभ के पिंजरे में, हम हो गए गर्वोन्नत, हम हो गए गर्वोन्नत, और तुम मूक आंखों से ताकते रहे हमें युगों से, और तुम मूक आंखों से ताकते रहे हमें युगों से, पर आज प्रकृति ने कैद कर लिया हमें, पर आज प्रकृति ने कैद कर लिया हमें हमारे ही विकास के भ्रमजाल में, और तुम उन्मुक्त हो गए, और तुम उन्मुक्त हो गए, ए पाखी उड़ो दूर उड़ो, ए पाखी उड़ो दूर उड़ो और फैला दो संदेश, तुम सदा स्वच्छंद थे। ए पाखी उड़ो दूर उड़ो और फैला दो संदेश कि तुम सदा स्वच्छंद थे, हो और रहोगे, हो और रहोगे, आदमी को खोलने होंगे सारे पिंजरे, आदमी को खोलने होंगे सारे पिंजरे, तोड़नी होगी बेड़ियां प्रकृति की, तोड़नी होगी बेड़ियां प्रकृति की, तभी तुम दोबारा आओगे, तभी तुम दोबारा आओगे हमारे आंगन चौबारे और छत पर, ए पाखी तभी तुम दोबारा आओगे हमारे आंगन चौबारे और छत पर। कितना अच्छा लगता था बचपन में जब माँ चावल के कुछ दाने आंगन में बिखेर देती थी और गौरैया आकर जब उनको चुगती थी तो वो एक अलौकिक आनंद होता था। सोनू जी, रंजना जी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे फूल आप भेज रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया। आप भी इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं वही कह रही थी आपसे कि जब प्रकृति से हम दूर हो जाते हैं तो मन में वीरानपन और भी बढ़ जाता है, वो आंगन, वो चौबारे, वो छत अब बहुत मुश्किल हो गया है, और हमारे पास समय भी नहीं है कि हम इतना समय इसके साथ बिताएं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें, कि आसमां छूने की ख्वाहिश नहीं है, आसमां छूने की ख्वाहिश नहीं है, आपके दिल को छू जाऊं बस इतना
छोटी सी तमन्ना है। जी हाँ, बस यही मेरा प्रयास है इस सफर में कि आपके दिल को छू जाऊं, बस इतनी सी तमन्ना है। आप लोगों को मैं पूरी तरह संप्रेषित कर पा रही हूँ, पहुंच पा रही है मेरी आवाज? यदि आप मैसेज में एक बार लिख दें कि सुन पा रहे हैं आप अच्छी तरह से, देख पा रहे हैं और आनंद ले पा रहे हैं। जी शुक्रिया रंजना जी, बहुत बहुत आपका। जी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, कुछ YouTube पे जुड़ना चाह रहे हैं पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनको। पूनम जी, रंजना जी का बहुत बहुत आभार, अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के बातें करके। आजकल समय ये हो गया कि हर व्यक्ति बोलना ही चाहता है, बोलना चाहता है पर सुनना कोई नहीं चाहता। आज आप सबने ये धैर्य दिखाया और मुझे सुनने के लिए ही आप यहाँ आए हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। ये साथ हमारा ऐसे ही बना रहे। हम सभी स्त्रियाँ हैं, स्त्री मन की अभिव्यक्ति लगभग सभी कवित्री अपनी कविताओं में तो करती ही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि स्त्री मन को समझ पाना इतना आसान भी नहीं है, कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। जी शुक्रिया पूनम जी। नारी सशक्तिकरण को और मेरी तमाम बहनों को, मेरी सह कवित्रियों को समर्पित यह कविता आप सबको सुनाती हूँ। जी पूनम जी, आप बिल्कुल बराबर जुड़ी हुई हैं। आप मुझे संदेश भेजते रहें तो मुझे लगेगा कि आप उपस्थित हैं, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अपनी बहनों को, अपनी साथी कवित्रियों को और वो सभी महिलाएं जो आज इस मंच से जुड़ी हुई हैं, उनको समर्पित मेरी ये कविता कि आंधियां चली और उजड़े जंगल, आंधियां चली और उजड़े जंगल पर तुम ना डिगी, आंधियां चली और उजड़े जंगल पर तुम ना डिगी, अटल रही, अटल रही और दिलाती रही विश्वास आंधी के बाद नए प्रकाश का, और दिलाती रही विश्वास आंधी के बाद नए प्रकाश का। समुद्र में उठी लहरें आया तूफान, समुद्र में उठी लहरें आया तूफान पर तुम ना बही, पर तुम ना बही किनारे पर दृढ़ता से रेत में पांव गड़ाए, किनारे पर दृढ़ता से रेत में पांव गड़ाए करती रही प्रतीक्षा सुनहरे सूर्योदय की, किनारे पर दृढ़ता से रेत में पांव गड़ाए करती रही प्रतीक्षा सुनहरे सूर्योदय की। तुम्हारी अस्मिता पर आया जब खतरा, तुम्हारी अस्मिता पर जब जब आया खतरा, तुम नहीं हुई विचलित नारी, तुम नहीं हुई विचलित, कुंदन सी निखरी हुई शाश्वत जौहर में तपकर। हाँ, तुम नहीं हुई विचलित, कुंदन सी निखरी हुई शाश्वत जौहर में तपकर राष्ट्र की सुरक्षा वेदी पर बलिदान करती, राष्ट्र की सुरक्षा वेदी पर बलिदान करती अपना मातृत्व तुम एक पल भी नहीं हिचकी, राष्ट्र की सुरक्षा वेदी पर बलिदान करती अपना मातृत्व तुम एक पल भी नहीं हिचकी, और लिख गई इतिहास अपने दूध से, और लिख गई इतिहास अपने दूध से, तुम क्षमताओं की हिरण्य गर्भा हो नारी, तुम क्षमताओं की हिरण्य गर्भा हो, ब्रह्मांड की धुरी हो, प्रकृति की स्तुति हो, वर्जनाओं को ढकेलती तुम सर्जना हो, ब्रह्मांड की धुरी हो, प्रकृति की स्तुति हो,
वर्जनाओं को ढकेलती, तुम सर्जना हो, हर दिन तुम्हारा ही है, हर दिन तुम्हारा ही है। गर्व करो कि तुम नारी हो, गर्व करो कि तुम नारी हो, हाँ तुम नारी हो। जी ये तो बिल्कुल गर्व करने की बात है। और अभी भी यदि समाज में कहीं नारियों पर अत्याचार होता है या उन्हें कमतर आंका जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज की सोच में भी बदलाव आ रहा है। घर से निकलकर नारियां अब सामाजिक पटल पर भी आ रही हैं और ऐसे बहुतेरे पटल हैं जिसमें वो अपनी अभिव्यक्ति दे रही हैं, अपनी रचनात्मकता को दिखा रही हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी व्हाट्सएप पर इतने ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें कि घरेलू महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अपनी प्रतिभा का को दिखा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये नारियों को समर्पित, मेरी बहनों को समर्पित एक कविता थी। ज्ञान जी नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी। अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़े हुए हैं और मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। और भी कुछ मित्र हमारे धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रता, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। पुनः पुनः आप सब मित्र मेरे साथ हैं, अच्छा लग रहा है। एक और कविता, समाज के जुड़े, समाज के हाशिए पर खड़े उस व्यक्ति की, जो कि रोज हमारे दरवाजे पर तो आता है लेकिन उसकी भी कुछ भावनाएं होती हैं। लाचारी। दोस्तों, आम का मौसम है और आम के ठेले हमारे घर के नीचे से निकलते ही रहते हैं। किसी की आंखों में मैंने झांक कर देखा तो कुछ यूं लाचारी दिखी कि मैं उन्हें शब्दों में ढालने से नहीं रोक पाई। वह आम के ठेले वाला, वह आम के ठेले वाला मंदिर के आगे रोज मिलता, वह आम के ठेले वाला मंदिर के आगे रोज मिलता, अगरबत्ती जला धुनी देता, अगरबत्ती जला धुनी देता, मानो वो आम नहीं देवता हो, मानो वो आम नहीं देवता हो। झुकता सलाम करता, ग्राहकी की गुहार लगाता, वो आम के ठेले वाला झुकता सलाम करता, ग्राहकी की गुहार लगाता, वो आम के ठेले वाला एक-एक आम को प्यार से सहलाता, एक-एक आम को प्यार से सहलाता, कभी इधर तो कभी उधर जमाता, कभी इधर तो कभी उधर जमाता, तगड़ी बोनी की आशा में खड़े खड़े ललचाता, तगड़ी बोनी की आशा में खड़े खड़े ललचाता, वह आम के ठेले वाला, वह आम के ठेले वाला आंखों में चमक आशा की गमक, आंखों में चमक आशा की गमक, बिक गए सारे आम, बिक गए सारे आम, मिल गए यदि अच्छे दाम। आंखों में चमक आशा की गमक, बिक गए सारे आम, मिल गए यदि अच्छे दाम, हो जाएगा माँ की दवा का इंतजाम, हो जाएगा माँ की दवा का इंतजाम। सूरज सिर पर चढ़ गया, सूरज सिर पर चढ़ गया, स्वेद कणों को माथे से हटाता, स्वेद कणों को माथे से हटाता, एक पांव पर खड़ा बार बार बुलाता, एक पांव पर खड़ा बार बार बुलाता, वह आम के ठेले वाला, वह आम के ठेले वाला। पुलिस का डंडा जब ठेले पर पड़ता, पुलिस का डंडा जब ठेले पर पड़ता, अतिक्रमण की आड़ में हफ्ता लेने की शिरकत करता, अतिक्रमण की आड़ में हफ्ता लेने की शिरकत करता, पकड़ा 2-4 किलो आम। ये पंक्तियां देखिएगा, पकड़ा 2-4 किलो आम, बोनी करता बिना लिए दाम,
पकड़ा, दो चार किलो आम बोनी करता, बिना लिए दाम भर लेता, आंखों में ढेर सी लाचारी, भर लेता आंखों में ढेर सी लाचारी, वह आम के ठेले वाला, वह आम के ठेले वाला। दोस्तों, कविताएं संवेदना का नाम है, अनुभूति का नाम है। पता नहीं अनुभूति आपको कहाँ मिल जाए, संवेदनाएं आपकी कब जागृत हो जाएं और कब आप कविता लिख लें। ऐसे ही क्षण आते हैं जब अचानक से भाव आते हैं। कई बार रहता है कि कविता याद नहीं रहती, बहुत कुछ क्षणों में या कुछ मिनटों में लिखी जाती हैं और फिर वो लिख ही जाती हैं, वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। तो कविताओं का सफर भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे सोच कर नहीं लिखना पड़ता, और अचानक ही बैठे बैठे कभी ख्याल आ जाता है, कभी कई बार कई दिन भी निकल जाते हैं। कल्पना दीदी, बहुत बहुत प्यार, आपका तो इतना प्यार मुझे मिलता है कि क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आवाज़ पहुँच रही है, अच्छा लग रहा है, धन्यवाद जी। तो मैं कह रही थी कि कविताओं का उत्स जो है वो कहाँ से होगा, कैसे निकलेगा, हम जान नहीं पाते हैं, और वो अचानक ही हमारी संवेदनाओं से, हमारी अनुभूतियों से निकलकर लफ्जों का रूप ले लेती है। कि लफ्ज जब बरसते हैं बूंदे बनकर, लफ्ज जब बरसते हैं बूंदे बनकर, मौसम कोई भी हो मन भीग ही जाता है, मौसम कोई भी हो मन भीग ही जाता है। रंजना जी, आप अजमेर से जुड़ी हुई हैं, शुक्रिया आपका, मैं आपकी रचनाएं पढ़ती रहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हो ये रहा है दोस्तों कि समाज में भी, हमारी आज की पीढ़ी में भी, शिक्षण और समझना, एक समझ आना, एक अपने आप को ज्ञान देना, ये बहुत बड़ी बात है। हम यदि दो चार किताबें पढ़कर किसी को यदि कह दें कि वो ज्ञानी हो गया या समझदार हो गया, तो मैं इस बात से सहमत यूँ नहीं हूँ। कि पुराने ज़माने में याद करिए, जब हम अपनी दादी नानी, दादा नाना और भी घर के बुजुर्गों के साथ बैठते थे, तो उनका जो अनुभव होता था वो हमारे अंदर ज्ञान का प्रसार करता था। अनुभवों से जो ज्ञान मिलता है वो बहुत स्थायी होता है, और अनुभव हमें सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब समय कुछ बदल रहा है, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वे बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनके साथ आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बड़ों का साथ दें और उनके उनकी बातों को सुने, उनके अनुभवों को सुने और अपनी लेखन में भी आगे बढ़ें। एक कविता आपको सुनाती हूँ, दायरा, अपनी पुस्तक निशिगंधा से। कि ये दायरे भी क्या हैं, ये दायरे भी क्या हैं, छोटे बड़े ऊंचे नीचे, सूक्ष्म से लेकर अनंत तक, हर आदमी एक दायरों में घिरा है। तो मेरी अनुभूति कुछ इस तरह है कि सूक्ष्म से लेकर अनंत तक आकांक्षाओं के दायरे या भावनाओं के दायरे, हम सब जी रहे हैं दायरों को बनाकर संबल, हम सब जी रहे हैं दायरों को बनाकर संबल। मेरे आसपास भी सैकड़ों दायरे हैं, छोटा उससे बड़ा कुछ और बड़ा, आत्मरक्षा के लिए अभिमन्यु बन, आत्मरक्षा के लिए अभिमन्यु बन, चक्रव्यूह की तरह मैं भी अपने दायरे में घुस जाती हूँ। लेकिन फिर विद्रोह की प्रतिकूलता को नकार, किंतु फिर विद्रोह की प्रतिकूलता को नकार, उसे तोड़ नहीं पाती हूँ। लोग कहते हैं तुम स्वयं एक द्वंद हो, कई लोग मुझे कहते हैं, घर पे भी कहते हैं कि तुम स्वयं एक द्वंद हो और हर शब्द तुम्हारा द्वंदात्मक, हर शब्द तुम्हारा द्वंदात्मक। हाँ सत्य है यह, हाँ सत्य है यह, मकड़ी के जालों की तरह द्वंद के सैकड़ों दायरे हैं, मकड़ी के जाले की तरह द्वंद के सैकड़ों दायरे हैं मेरे आसपास। छोटे छोटे दायरों में फंस कर महसूस करती हूँ कि मैं ही हूँ संपूर्ण विश्व, कि मैं ही हूँ संपूर्ण विश्व, और इस सत्य से उतनी ही जल्दी ऊब भी जाती हूँ और छटपटाने लगती हूँ।
किसी बड़े दायरे में आने के लिए, लेकिन उसकी सीमाओं को छूते ही मेरा अपना विश्व छितर कर बिखर जाता है। जहाँ थी कभी थोड़ी सी संतुष्टि, मैं प्रण करती हूँ उच्च आकांक्षाओं को न छूने की। मैं प्रण करती हूँ उच्च आकांक्षाओं को न छूने की, अपने ही दायरे को सुंदर बनाने की, जो सीमा में बंधे होने के बाद भी, जो सीमा में बंधे होने के बाद भी असीम हो जाना चाहता है, अनंत में समा जाना चाहता है। हाँ, अनंत में समा जाना चाहता है। अलका जी, थैंक यू, आप जुड़ी। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं पटल पर। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना सफ़र यूं ही बरकरार रखूंगी आपके साथ। पूनम जी, शुक्रिया, आप अभी तक हैं मेरे साथ। हम बहुत बहुत पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जन सरोकार मंच जैसे ऐसे कुछ मंच हैं जिन्होंने कि हमारी प्रतिभाओं को पहचाना, हमारी रचनात्मकताओं को एक दिशा दी है। मैं फिर से देवेंद्र जोशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज ये मंच प्रदान किया। इस पटल पर आकर आप सब से जुड़ने का मुझे एक मौका मिला, अपनी कविताओं को सुनाने का। कवि मन का बहुत एक खेद रहता है उसे कि मेरी कविताएं कोई सुनता नहीं है। इस मंच से कम एक मौका हमें मिला है आप सबसे रूबरू होने का, आपसे मुखातिब होने का, अपनी कविताएं सुनाने का। जी शुक्रिया ज्ञान जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज्ञान दीदी, आप तो इतना अच्छा लिखती हैं, बहुत आपकी कविताएं पढ़ के बहुत मज़ा आता है, और इतनी परिपक्वता है उनमें, शायद मैं तो उसे छू नहीं पाऊंगी, पर जो भी है आप लोग के सामने उसे व्यक्त करती रहती हूँ। जी, कुछ दोस्त होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि भाई हम तो बड़े बिजी हैं, बड़े व्यस्त हैं। तो व्यस्तता पर कुछ पंक्तियां यूं लिखी कि तुम क्या वाकई व्यस्त हो, तुम क्या वाकई व्यस्त हो, या व्यस्त होने का मात्र छलावा करते हो। तुम क्या वाकई व्यस्त हो, या व्यस्त होने का मात्र छलावा करते हो। सागर की उत्ताल लहरें, सागर की उत्ताल लहरें चाहे जितना शोर मचाए, सागर की उत्ताल लहरें चाहे जितना शोर मचाए, पर उसकी धरातल बिल्कुल होती है निशब्द, पर उसकी धरातल बिल्कुल होती है निशब्द। मैंने भी उतारी है अपनी आँखों में, मैंने भी उतारी है अपनी आँखों के कई बार तुम्हारे मन की तलहटी में, मैंने भी कई बार उतारा है अपनी आँखों को तुम्हारे मन की तलहटी में, जहाँ पसरा होता है सिर्फ मौन, जहाँ पसरा होता है सिर्फ मौन, बहस और संवादों के पेचीदगे जाल में, बहस और संवादों के पेचीदगे जाल से बमुश्किल निकल कर तुम जब भी बैठते हो एकाकी, जब भी बैठते हो एकाकी कॉफी का मग लेकर, मैं सुन लेती हूँ तुम्हारा सारा कोलाहल। बहस और संवादों के पेचीदगे जाल से बमुश्किल निकल कर तुम जब भी बैठते हो एकाकी कॉफी का मग लेकर, मैं सुन लेती हूँ तुम्हारा सारा कोलाहल, और तुम गढ़ने लगते हो फिर किसी छलावे की एक नई परिभाषा, और तुम फिर गढ़ने लगते हो किसी छलावे की एक नई परिभाषा। अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कुछ लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, और मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, अपनी कविताएं सुनाने का मौका मिल रहा है। जन सरोकार मंच के पिछले दिनों के कई कई सीरीज में मैंने अपनी और भी बहनों को सुना है, बहुत अच्छा उन्होंने व्यक्त किया, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और जी कल्पना दीदी, विषय जो कोशिश की है कि आपको सभी विषयों पर सुनाऊं, क्योंकि ये मौका कम ही मिलता है। जब भी हम आयोजनों में मिलते हैं तो हम एक या दो ही कविता अपनी सुना पाते हैं,
और अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह उजागर नहीं कर पाते, पर जन सरोकार मंच ने आज ये मौका दिया है तो हम इसका भरपूर फायदा लें और मैं अधिक से अधिक अपनी कविताएं आपको सुनाऊं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और है। कुछ अपनी पुस्तक से और कुछ ताज़ी कविताएं भी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हम सभी अपनी गृहस्थी के में लगे रहते हैं, बच्चे, परिवार, घर के बुजुर्ग। कई बार ऐसा होता है मित्रों, कोई सुबह उठते हैं, कोई विषय मन को छूता है कि आज इस पर लिखेंगे, लेकिन वो विषय कैसे चला जाता है, कैसे लुप्त हो जाता है कि सुबह सुबह झकझोरता विषय कोई, सुबह सुबह झकझोरता विषय कोई, तैरता आता हवा में, हौले से छूता मन को, तैरता आता हवा में, हौले से छूता मन को, और मैं बैठा उसे शब्दों के पंखों पर उड़ना चाहती दूर दूर कहीं। पर घड़ी की सुइयां कहाँ रुकती, घड़ी की सुइयां कहाँ रुकती, छत, रसोई, बरामदा, सीढ़ियां चढ़ती उतरती, शब्द सुबह में गुम हो जाते, शब्द सुबह में गुम हो जाते, कंगूरों पर धूप उतरती, कंगूरों पर धूप उतरती, ढलके आंचल सी शाम मुंडेर पर बुलाती, ढलके आंचल सी शाम मुंडेर पर बुलाती, चाय के प्याले को चूमते हुए मैं प्रण फिर दोहराती, चाय के प्याले को चूमते हुए प्रण फिर दोहराती कि अभी तो दिन बाकी है, अभी तो दिन बाकी है, कुछ तो मिले एकाकी क्षण, कुछ तो मिले एकाकी क्षण, या सुकून का एक कोना, या सुकून का एक कोना, पर फिर वही आलू मटर की सब्जी, बाजार की सौदेबाजी, या निभाने कोई रिश्तेदारी, सांझ की पूजा की घंटी, और दिल को धक-धकाती कोई अधजली बाती। फिर वही आलू मटर की सब्जी, बाजार की सौदेबाजी, या निभाने कोई रिश्तेदारी, सांझ की पूजा की घंटी, और दिल को धक-धकाती कोई अधजली बाती। और रात की यह घड़ी 11:30 या 12 बजे ठहरना चाहती है मेरे लिए, और रात की यह घड़ी 11:30 या 12 बजे ठहरना चाहती है मेरे लिए, तौलती मेरा जज्बा कलम उठाने का, पर तभी सफेद कागज हो जाते धुंधले, पर तभी सफेद कागज हो जाते धुंधले, सुबह का विषय थककर चूर चूर ढह जाता, सुबह का विषय थककर चूर चूर ढह जाता, और शब्द खो जाते नैपथ्य में कहीं, और शब्द खो जाते नैपथ्य में कहीं, और मैं धीरे से कर लेती बंद आंखें, और मैं धीरे से कर लेती बंद आंखें एक नए विषय और नई भोर के इंतजार में, और फिर एक नए विषय और नई भोर के इंतजार में। ये लगभग सभी स्त्रियों की स्थिति रहती, सभी जो हम गृहस्थी चलाती हैं, जो घर में रहती हैं, सोचते हैं बहुत कुछ कि आज ये लिखेंगे, आज वो लिखेंगे, पर परिस्थितियां एक के बाद एक कुछ ऐसी आ जाती हैं कि हम उन्हें शब्दों को कागज पर नहीं उतार पाते और वो विषय भी लुप्त हो जाता है। लेकिन बहनों, सखियों, मेरा निवेदन है कि हम अपनी रचनात्मकता को रोके नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखते ही रहें, क्योंकि जब शब्द कागज पर आते हैं, कागज पर उतरते हैं, तो हमारे दिल को जो सुकून मिलता है वो तो हम ही समझ सकते हैं। एक तृप्ति का भाव, एक एहसास हमें मिलता है जो कि हम बता नहीं सकते शब्दों में। ये तो जी माफ करूंगी, सभी जुड़ी हुई हैं लेखन से, इतने इतने अच्छे अच्छी आप कवित्री हैं, लेखिकाएं हैं, आपका जो स्तर है बहुत अच्छा है,
कई विषयों पर आपको मैं पढ़ती रहती हूँ समय समय पर। तो थोड़ा सा सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको सुनाती हूँ एक अपने कल ही मित्रों एक बहुत ही जी ज्ञान जी बिल्कुल आपने ज्ञान दीदी आपने ठीक कहा, हर नारी का यही दर्द है, यही विडंबना है। विडंबना तो नहीं कहेंगे, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो जाती हैं जिनमें एक स्त्री को ही सामंजस्य बैठाना पड़ता है और सामंजस्य बैठाना ही हमारी नियति भी है, प्रकृति ने हमें प्रदान भी की है और ये हमारा कर्तव्य भी है। तो इस सामंजस्य में ही हम पूरे टाइम लगे रहते हैं। कल हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि 5 राफेल्स एयरक्राफ्ट फ्रांस से हमारे यहाँ आए, इन सब ने हमारे सैनिकों का जज्बा बहुत बढ़ा दिया और हम शुक्रगुजार हैं हमारे देश के नेतृत्व पर कि उन्होंने हमारे सैनिकों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया देश की सुरक्षा के लिए। राफेल्स आने से ही एक आनंद की लहर, एक उत्साह पूरे देश में व्याप्त हो गया। तो अपने देश के सैनिकों को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियाँ कि देश के लिए सब छोड़, देश के लिए सब छोड़, जननी से अपना नाता तोड़, देश के लिए सब छोड़, जननी से अपना नाता तोड़, मोह के सारे बंधन टूटे, मोह के सारे बंधन टूटे, गांव दोस्त सब अपने छूटे, हो खून जमाती शीत, हो खून जमाती शीत या हड्डी पिघलाती गर्मी, हम खाते सीने पर गोली, हम खाते सीने पर गोली, तुम खाते दूध जलेबी, इस देश की रक्षा के खातिर सरहद पर हम डटे हैं, इस देश की रक्षा के खातिर सरहद पर हम डटे हैं, आ जाए चाहे लाख तूफान पर हम ना कभी हटे हैं, घर का खाना भूल गए सब, घर का खाना भूल गए सब, जो मिलता खा लेते हैं, चट्टानों पर सोकर भी हम गीत देश के गाते हैं, हम गीत देश के गाते हैं, होली दिवाली राखी लोहड़ी, होली दिवाली राखी लोहड़ी कब आती कब जाती है, हम तारीखें भूल चले, हम तारीखें भूल चले, घर की याद तो हमें भी आती है, घर की याद हमें भी आती है। मेरे देश के तमाम सैनिक भाइयों को मैं सैल्यूट करती हूँ और रक्षाबंधन का पर्व पास में आ रहा है मित्रों, हम सब अपने सैनिक भाइयों के लिए दुआएं करें कि हमारी राखी उन तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हमारी संवेदनाएं, हमारे वाइब्रेशन उन तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति तक पहुँचता ही पहुँचता है, उसे छूता ही छूता है। तो हमारी तमाम शुभकामनाएं हम बहनों की, सरहद पर जो हमारे सैनिक भाई डटे हुए हैं, जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, आज वो वहाँ पर हैं तभी तो हम यहाँ पर हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कविता सुना रहे हैं, हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबके लिए इस रक्षाबंधन पर हम अपने इतने पावरफुल, इतने सशक्त वाइब्रेशन भेजें कि उन्हें मनोबल मिले, वो उन्हें संबल मिले, उन्हें एक विश्वास मिले, उन्हें ताकत मिले। तो उन्हीं के लिए समर्पित थी। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। और दोस्तों, मैंने कहा था कि मित्रता दिवस पर एक कविता मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूँगी कि आज एक मौका है, मौसम है और अवसर भी है कि मैं आपको, सभी दोस्तों को ये कविता आपको सुनाऊं मैं, कि पा सको गर सच्चा दोस्त। आप सभी दोस्तों के लिए सुना रही हूं जो जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं किसी कारण से। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त मेरे साथ हैं मेरी काव्य यात्रा में। कि पा सको गर सच्चा दोस्त, खुदा मिले ना मिले कोई गम नहीं, दोस्ती कर ली गर हासिल, दौलत लाख कमा ना सको कोई गम नहीं। पा सको गर सच्चा दोस्त, खुदा मिले ना मिले कोई गम नहीं, दोस्ती कर ली गर हासिल, दौलत
लाख कमा न सको कोई गम नहीं। अंधेरों की गर्दिशों में भटक जाए गर कभी, अंधेरों की गर्दिशों में भटक जाए गर कभी, दोस्ती की रोशनी में हाथ एक बढ़ेगा तभी। दुनिया चाहे फेर ले मुंह अपना, दुनिया चाहे फेर ले मुंह अपना, दोस्ती का दामन न सिमटेगा कभी। पा लिया हो गर सच्चा दोस्त, पा लिया हो गर सच्चा दोस्त, हमसे ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं। ये रिश्ते ये नाते, ये रिश्ते ये नाते, ये मतलब की बातें, ये रिश्ते ये नाते, ये मतलब की बातें, फूल फेंकते हैं कभी तो कभी तो चुभोते कांटे, फूल फेंकते हैं कभी तो कभी चुभोते कांटे। हो घायल कदम जब नहीं दिखती हो राह कहीं, हो घायल कदम जब नहीं दिखती हो राह कहीं, दोस्त मरहम बन जाएगा सोख लेगा आंसू सभी। दोस्त मरहम बन जाएगा सोख लेगा आंसू सभी। भारी हो जब कभी दिल तुम्हारा, भारी हो जब कभी दिल तुम्हारा, बचपन के दोस्तों की महफिल सजाना, वो गुल्ली डंडा और पतंगों की बातें, वो गुल्ली डंडा और पतंगों की बातें, वो कॉलेज की मस्ती प्यारी सी मुलाकातें, वो गुल्ली डंडा और पतंगों की बातें, वो कॉलेज की मस्ती प्यारी सी बातें, गमों को उड़ा देती दोस्तों के साथ की लंबी रातें, गमों को उड़ा देती दोस्तों के साथ की लंबी रातें, और बेसिर पैर की हजारों बातें, और बेसिर पैर की हजारों बातें। सच दोस्ती अनमोल होती है, सच दोस्ती अनमोल होती है, जिसे मिली वो माला माल हो गया, जिसे मिली वो माला माल हो गया, जिसे न मिल सकी, जिसे न मिल सकी, खाली बर्तन सा आया और खाली चला गया। जो दोस्तों दोस्ती तो चीज़ ही ऐसी है, यदि सच में आपके पास कोई बचपन का दोस्त है तो उसे अपना अनमोल खजाना समझकर ऐसे ही न जाने दीजिएगा, उसे सहेज के रखिएगा। क्योंकि जब मन अकेला होता है, जब हम उन क्षणों से गुजरते हैं कि कुछ कहने को दिल चाहता है, किसी से गम बांटने को दिल करता है, तब दोस्त ही होता है जो हमारे मन को हल्का कर सकता है, सच्चा दोस्त। लेकिन आजकल तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि सच्चे दोस्त भी नहीं मिलते। चलिए, आप सब दोस्त मेरे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल्पना दीदी आप हैं, आप तो हमेशा ही हौसला अफजाई करती रहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कविता जी, आप भी बहुत प्यारी दोस्त हैं। सभी दोस्तों को पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बधाई देती हूँ मैं। बिल्कुल, आप सब हैं साथ में तो फिर क्या बात है। घड़ी को संकेत कर रही है मुझे कि समय अपने खत्म होने के कगार पे है, यह सफर शायद कुछ देर में मुझे रोकना पड़ेगा। जी ज्ञान दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कविता और मैं आपकी नजर करती हूँ। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं, यदि ये सत्य है कि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पर हमें अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सीमा तो होनी ही चाहिए, एक आचरण होना चाहिए जिसका हमें पालन करना चाहिए। कई बार हम बिना दरियाफ्त करे, बिना उसकी हकीकत को जाने, कुछ मैसेजेस ऐसे भी दे देते हैं जिससे मन व्यथित हो जाता है। तो बातों को फैलाना और सही बातों का प्रसार करने में बहुत अंतर होता है। तो मेरा ऐसा समझना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो बहुत बड़ा उपहार मिला है हमें, बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन हम इसका गलत फायदा ना उठाएं और समाज में भी
घर में भी हम अपने बच्चों को भी बताएं कि भाई गलत मैसेजेस ना प्रसार करें। एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, स्वतंत्रता। तारीख की नजर में ऐसे भी मंजर आए, तारीख की नजर में ऐसे भी मंजर आए जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, कुछ लम्हे ऐसे हो जाते हैं जिसका हमें बहुत बाद में भुगतना पड़ता है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता। सोच समझ के बोल रे भैया, सोच समझ के बोल रे भैया, शब्द बड़े अनमोल। सोच समझ के बोल रे भैया, शब्द बड़े अनमोल। पहले सच के पलड़े पर तू, पहले सच के पलड़े पर तू, कही अनकही तोल रे भैया, सोच समझ के बोल। प्रजातंत्र में मिली छूट तो, प्रजातंत्र में मिली छूट तो यह न कभी तू भूल, शोहरत पाने के खातिर बस, शोहरत पाने के खातिर बस, खबरों को ना तोड़ मरोड़, झूठ को सच साबित करने में तथ्य न उल्टे सीधे जोड़। झूठ को सच साबित करने में तथ्यों को ना तोड़ मरोड़। दहशतगर्दी का यह मसाला, दहशतगर्दी का यह मसाला, और ना अब तू घोल रे भैया, सोच समझ के बोल। शब्द बड़े अनमोल रे भैया, सोच समझ के बोल। सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाने, अजनबियों की लिस्ट बढ़ाने, इधर उधर टीपा टापी कर, इधर उधर टीपा टापी कर, जातिवाद का जहर ना घोल, दे ना उसे तू तूल रे भैया, कॉपी पेस्ट ना करता फिर बस, कॉपी पेस्ट ना करता फिर बस, कुछ दिमाग तो खोल रे भैया, कुछ दिमाग तो खोल, सोच समझ के बोल रे भैया, सोच समझ के बोल। और अंतिम पंक्तियां हैं कि चिंतन मनन है संस्कृति तेरी, चिंतन मनन है संस्कृति तेरी, फास्ट फूड सा ना कर जीवन। चिंतन मनन है संस्कृति तेरी, फास्ट फूड सा ना कर जीवन। घर की रोटी में है पोषण, घर की रोटी में है पोषण, बाकी सब है पोलम पोल। पीट ना मतलब का ढोल रे भैया, पीट ना मतलब का ढोल रे भैया, सोच समझ के बोल। शब्द बड़े अनमोल रे भैया, सोच समझ के बोल, सोच समझ के बोल। सोच समझ के ही बोलना है, जो लिखना है वो भी और जो बोलना है वो भी। तो मुझे लगता है आपको मेरी कविताएं अच्छी लगी होंगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे। शब्द बड़े अनमोल होते हैं, बिल्कुल अनमोल होते हैं। शब्द ही हैं जो मलहम भी लगाते हैं और जो घाव भी देते हैं। शब्दों की महिमा बहुत न्यारी है, इसलिए जब भी हम प्रयोग करें, सोच समझ के करें, अच्छी तरह करें, प्यार से करें, मुस्कुराहट से करें। एक और कविता सुनाती हूँ आपको कि कुछ कहानियाँ अक्सर अधूरी रह जाती हैं, कुछ कहानियाँ अक्सर अधूरी रह जाती हैं, कभी पन्ने कम पड़ जाते हैं, कभी पन्ने कम पड़ जाते हैं, कभी स्याही सूख जाती है। कहना चाहती है बहुत कुछ जज्बा, कहना चाहती है बहुत कुछ जुबां, कभी ख्वाब तो कभी हकीकत में अल्फाजों की जमात अधूरी रह जाती है। घुटन के साथ ही घुटते घुटते, घुटन के साथ ही घुटते घुटते, नामुकम्मल हुए जज्बातों की ताबीर, कहीं अनकहीं सुनी अनसुनी दास्ता अधूरी रह जाती है। ऐसा नहीं कि दिन नहीं ढलता, ऐसा नहीं कि दिन नहीं ढलता या रात नहीं होती, चिरागे रोशनी में नहाकर भी, चिरागे रोशनी में जलकर भी पतंगे की चाहत अधूरी रह जाती है। चिरागे रोशनी में जलकर भी पतंगे की चाहत अधूरी रह जाती है।
सब कुछ पाकर भी गुम हो जाता है अहमे वजूद, सब कुछ पाकर भी गुम हो जाता है अहमे वजूद, पड़ाव दर पड़ाव, पड़ाव दर पड़ाव बाजी जिंदगी की अधूरी रह जाती है, पड़ाव दर पड़ाव बाजी जिंदगी की अधूरी रह जाती है। गीता धवन जी, थैंक यू, आप जुड़ी मेरे साथ, शुक्रिया। कहीं ना कहीं अधूरापन तो हम सभी के अंदर रहता है, ये मन को व्यथित भी करता है और कई बार एक रचनात्मक दिशा भी देता है। ये अधूरापन ही पूरी जीवन यात्रा का संबल है कि इसको पूरा करने के लिए ही हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और जब ये पूरा कर पाते हैं तो एक सच्ची सृजन की संतुष्टि का आभास हमें होता है। जी दोस्त, आप लोग सब साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद सा सफर चल रहा है कविताओं का। आपको कविताएं अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कुछ कमी है, मुझे क्या सुधार करना है वो भी ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी लेखनी में कुछ सुधार कर सकूं, संप्रेषण में और बोलने में, भाषा में। जो भी कमी आपको लगती है मुझे ज़रूर बताएं, एक सच्चे शुभचिंतक के नाते मैं उसे पॉजिटिव ही लूँगी, ऐसा ना समझें, और कोशिश करूँगी कि आपकी सलाह मानूँ। बस अब जाते जाते एक अंतिम कविता आपको सुनाती हूँ कि बांट लो कुंठाएं, बांट लो प्यार, खोल कुंठाएं आज हृदय की, बांट लो प्यार, खोल कुंठाएं आज हृदय की, समेट लो आकाश को आज अपनी मुट्ठी में, समेट लो आकाश को आज अपनी मुट्ठी में, न उलझो उलझाओ संबंध के बंधनों में, न उलझो उलझाओ संबंध के बंधनों में, फैला दो बाहें विराट के आलिंगन को, फैला दो बाहें विराट के आलिंगन को, गूंथ लो मोगरे सा आज अपनी दृष्टि को, गूंथ लो मोगरे सा आज अपनी दृष्टि को, पी लो चक्षुओं से सौंदर्यमयी सृष्टि को, पी लो चक्षुओं से सौंदर्यमयी सृष्टि को, उलझ अतीत के झंझावातों में, उलझ अतीत के झंझावातों में, न बढ़ाओ ऊंचाई पीर के हिमालय की, उलझ अतीत के झंझावातों में, न बढ़ाओ ऊंचाई पीर के हिमालय की, आज पिघल जाने दो समग्र पीड़ा, आज पिघल जाने दो समग्र पीड़ा, चिरंतन मिलन की ऊष्मा से बिखेर दो मुस्कान के कुछ सुवासित कतरे, बिखेर दो मुस्कान के कुछ सुवासित कतरे, स्वार्थ की दुर्गंध में भर दो कांपते दिलों में जीने की उत्कट जिजीविषा, भर दो कांपते दिलों में जीने की उत्कट जिजीविषा, और तब विश्व तुम में आ समाएगा, और तब विश्व तुम में आ समाएगा, विलुप्त हो जाएगा तुम्हारे मैं का अस्तित्व, विलुप्त हो जाएगा तुम्हारे मैं का अस्तित्व, जीत लोगे तुम उसे, जीत लोगे तुम उसे जो था अजेय अतीत के लिए भी, जो था अजेय अतीत के लिए भी। ऐसा ही हमारे मन में चलता रहता है बहुत कुछ। तो अब घड़ी मुझसे कह रही है कि इस सफर को हम यहीं विराम दें, यदि देवेंद्र जी आज्ञा दें और यदि उपस्थित हैं पटल पर तो कृपया मुझे एक संकेत दें कि हम इसे यहीं समाप्त करें, इसे विराम दें। दोस्तों, आप सब आज मेरे साथ जुड़े और मुझे सराहा आपने, आपकी प्रतिक्रियाओं की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। जन सरोकार मंच का पुनः एक बार हृदय से आभार, धन्यवाद, और देवेंद्र जोशी जी को पुनः साधुवाद, हम सभी लेखकों की तरफ से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।